मैं देवेंद्र सिंह। आज की जो वीडियो है इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का, और वैसे भी अगर आप चैप्टर कॉमर्स के हो तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है जनरल, पूरी अकाउंट्स का बेस। अगर जनरल चैप्टर जैसा आपको समझ गया तो आगे के चैप्टर सारे अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे। तो जनरल चैप्टर को आज हम अच्छे स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से। ये वीडियो बिल्कुल बेसिक होने वाली है, इसमें आपको डेबिट और क्रेडिट का सीधी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए जनरल क्या होता है उसको पहले बाद में समझते हैं। सबसे पहले आप ये देखो कि हमारे बिजनेस में क्या होता है। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो बिजनेस होता है, हम ओनर जो होता है वो बिजनेस में क्या लगाता है, पैसा लगाता है ना, बिजनेस में इन्वेस्ट करता है ओनर। मालिक कौन होता है, ओनर। लेकिन हम अकाउंट्स में क्या कर, अकाउंटेंसी में क्या करते हैं, हम बिजनेस को एक अलग एंटिटी मान लेते हैं, ओनर को एक अलग इंसान मान लेते हैं। इसे बोलते हैं सेपरेट बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। मैं ये इसलिए पहले बता रहा हूँ क्योंकि आगे की चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, इसलिए मैं पहले ये चीज़ बता रहा हूँ। क्योंकि वैसे ये बिल्कुल बेसिक प्रिंसिपल है, आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ लो। कि यानी कि हम क्या करते हैं, बिजनेस को एक अलग मान लेते हैं, ओनर को अलग मान लेते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जैसे कि जो भी हमारे ओनर के एसेट हो गए, यानी कि प्रॉपर्टी जो भी है मेरे पास, इसका बैंक बैलेंस है, हमें उससे कोई मतलब लेना नहीं है। ओनर कितना पैसा कमा रहा है, ओनर के पास क्या है, ओनर को फ़ायदा क्या हुआ, ओनर को नुकसान क्या हुआ, हमें से कोई मतलब नहीं। हमें मतलब है बिजनेस से कि बिजनेस में क्या फायदा हुआ। ठीक है, हम ये देखेंगे कि बिजनेस में एसेट क्या है, बिजनेस की लायबिलिटी क्या है, बिजनेस में क्या फायदा हो रहा है, बिजनेस में क्या आया, बिजनेस की बात करेंगे। बिजनेस को हम एक इंसान बना दिया, बिजनेस को एक हमने आर्टिफिशियल मान लो पर्सन बना दिया मैंने, इसे बोलते हैं सेपरेट बिजनेस एंटिटी। तो हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो किसके हिसाब से करते हैं, बिजनेस के हिसाब से। ठीक है, हम जो अकाउंटिंग करेंगे, यानी कि अकाउंटिंग का मतलब है ट्रांजेक्शन्स को, बिजनेस में जो भी लेन देन हो रही है उसको रिकॉर्ड करेंगे, ये सोचते हुए किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बिजनेस में क्या आया, बिजनेस में क्या क्या, बिजनेस में क्या फ़ायदा है, बिजनेस में क्या नुकसान है। ओनर की बात नहीं करेंगे, हो सकता है कि ओनर को वहाँ पर फ़ायदा हो रहा हो बट बिजनेस को नुकसान है, तो बिजनेस में नुकसान ही देखा जाएगा। ठीक है, तो ये बात हमें समझ में आ गई। तो भी हम अकाउंटिंग करेंगे, हम बिजनेस के बारे में सोचेंगे, किसी और के बारे में नहीं सोचेंगे। तो अब देखो, बिजनेस में जो भी हमारी ट्रांजेक्शन्स होती है, या जिसे हम बोलते हैं हिंदी में लेन देन, कि कुछ आया कुछ गया, तो वो उसके लगभग दो एस्पेक्ट होते हैं, ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं। एक होता है लेन, कुछ आएगा, एक होता है देन, कुछ जाएगा। तो अकाउंटिंग की भाषा में हम लेन, यानी कि कोई भी लेन देन में कुछ भी बिजनेस में आया उसको डेबिट बोलते हैं। डेबिट क्या बोलते हैं, डेबिट। ठीक है, और जो भी बिजनेस में कुछ भी जाएगा बिजनेस से, मैंने इसलिए बार बार बिजनेस वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, जो भी बिजनेस से जाएगा उसे क्रेडिट बोलते हैं। आप ये भी बोल सकते हो कि बिजनेस में कुछ भी आया, या आया का मतलब ये नहीं कि एक्चुअल में कभी कभार आएगा, हो सकता है फ्यूचर में आ रहा हो सामान, फ्यूचर में मुझे फ़ायदा हो रहा हो। कहने का मतलब कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है बिजनेस में, कुछ ना कुछ आ रहा है या आएगा, वो सब डेबिट करते हैं, उसे डेबिट बोलते हैं। और जो भी बिजनेस से कुछ जा रहा है, अभी जा रहा है या जाएगा, या कुछ नुकसान होगा, ये सब क्रेडिट करते हैं बिजनेस में। इसको और समझते हैं, बेसिकली इसका मतलब पता क्या है, हम हर एक चीज़ का खाता बनाएंगे। सपोज़ करते हैं कि मैंने कुछ सामान खरीदा, परचेज गुड्स ऑफ ₹50,000, तो हम हर चीज़ का ना खाता बनाते हैं। खाता क्या होता है, खाता का मतलब है अकाउंट, मतलब हर चीज़ का एक पर्टिकुलर हेड बना देंगे कि उस हेड में सिर्फ उसी की लेन देन होगी और किसी की लेन देन नहीं लिखेंगे।
जैसे कि अगर मैं बना रहा हूँ कि मैंने गुड्स ख़रीदा, तो एक गुड्स का एक खाता बना दिया, सिर्फ उसके उसमें मुझे सारी के सारी जो भी है लेन देन गुड्स में, गुड्स कितना आया था, इस तारीख को कितना गुड्स आया, उस तारीख को कब गया, सारे गुड्स की लेन देन सारी इस एक अकाउंट में मिल जाती है। इसे अकाउंट बोलते हैं। हम अकाउंट ही बनाते हैं, मेन अकाउंटिंग में करते गए, मेन अकाउंट्स का सारा फंड है, अकाउंट्स बनाते हैं। जैसे कि मैंने बना दिया कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट का मतलब पता क्या है कि मैं बिजनेस में देखूंगा कि मेरे पास कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है, सिर्फ कैश के बारे में जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये अकाउंट होता है। जैसे कि अकाउंट में अब कुछ ना कुछ प्लस होता है, कुछ ना कुछ माइनस होता है ना। अब अकाउंट में मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास एक साइड होगी प्लस वाली, एक साइड माइनस वाली होगी, कभी कैश बढ़ेगा कभी कैश घटेगा। अकाउंट में दो चीज़ें होती है, एक ना कुछ प्लस होगा है ना, एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। तो ये जैसे कि आप सोचोगे, मैं कह रहा हूँ कैश आया 5,000 पे, कैश गया 10,000 से, कैश आया फिर 5,000 से, कैश गया 15,000 से, फिर कैश आया 50,000 से। ये सब क्या हो रहा है कि हमारे हर एक अकाउंट में प्लस माइनस होता है, लेकिन अकाउंटिंग में हम इस प्लस माइनस को बोलते हैं डेबिट और क्रेडिट। जी हाँ, यही डेबिट और क्रेडिट का असली मतलब है और कुछ नहीं है। बेसिकली डेबिट और क्रेडिट का मतलब यह है कि जो हम किसी भी लेन देन का अकाउंट बनाने वाले हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर हेड है, जैसे कि मैंने कुछ कैश आया तो कैश का एक खाता बना दिया, किसी बंदे से पैसे लेने हैं तो उस बंदे का खाता बना दिया, उस खाते में किससे प्लस कि उस खाते में किस प्लस बढ़ाना है या घटाना है, उस खाते में वो बढ़ाने है घटाने को, प्लस माइनस को बेसिकली डेबिट और क्रेडिट बोलते हैं अकाउंटिंग टर्म्स में। दिस इज द रियल मीनिंग, ठीक है। और यही चीज़ है, बस ये आपको जनरल में समझना होता है। जनरल में क्या करना होता है, हम कोई खाता नहीं बनाते, हम बस ये सोचते हैं कि उस खाते में हमें प्लस करना है या माइनस करना है, यानी कि अकाउंटिंग टर्म में बोलते हैं डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। वो हम सीखते हैं कि जो भी हमारे बिजनेस में लेन देन हो रही है, उस बिजनेस में लेन देन से हम जो खाता बनाएंगे फ्यूचर में, उसमें डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, ऐसे समझते हैं। जैसे कि आप देखो, मैंने बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया, ठीक है, या कह सकते हो अमाउंट मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट करी कितने की, 50,000 रुपये। ये जनरली सबसे पहले मेन ट्रांजेक्शन सबसे पहले यही होती है बिजनेस के अंदर, कि सबसे पहले मैंने बिजनेस में पैसा डाला। और जब भी बिजनेस में पैसा डालते हैं उसे कैपिटल बोलते हैं। जैसे कि बिजनेस है ये, और ये ओनर है, ओनर ने कैपिटल डाल दी, इसे कैपिटल का मतलब होता है बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट किया, उसे कैपिटल बोलते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हम जो भी अकाउंटिंग करते हैं वो बिजनेस के हिसाब से करते हैं, तो बिजनेस में क्या फ़ायदा होता है, बिजनेस में क्या नुकसान होगा, वो देखना पड़ता है। तो हमने बिजनेस में कैपिटल आई, अब आपको पता है कि बिजनेस कोई आदमी नहीं है, ये कैपिटल कभी ना कभी फ्यूचर में जाके ओनर पे ही वापसी जाने वाली है। तो हम क्या करते हैं, इसलिए कैपिटल बिजनेस के लिए एक तरह का नुकसान है, फ्यूचर में लायबिलिटी है, और लायबिलिटी है तो इसको क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट का मतलब हो गया कि हमें बेसिकली लायबिलिटी जो है मेरे लिए बिजनेस में नुकसान है, देनी पड़ेगी, तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। जैसे मेरे को क्रेडिट का मतलब क्या है कि जब हम कैपिटल का खाता बनाएंगे तो वहाँ पर कैपिटल के खाते में क्रेडिट, यानी कि वहाँ पर कैपिटल बढ़ा देंगे लेकिन क्रेडिट करके बढ़ाएंगे। क्रेडिट का मतलब हो गया नुकसान एक तरह का, इस बार नाम दे दें क्रेडिट, है वो प्लस माइनस ही। तो क्रेडिट का मतलब हो गया कि उस कैपिटल, जैसे कि मैंने 50,000 की बिजनेस में कैपिटल डाली, तो इसका मतलब 50,000 रुपये का जब कैपिटल का खाता बनाऊंगा तो वहाँ पर 50,000 रुपये प्लस करना है। बट प्लस बोलते हुए, प्लस को मैं डेबिट भी बोल सकता हूँ, क्रेडिट बोल सकता हूँ, बट यहाँ पर मैं प्लस को बोलूँगा क्रेडिट। तो जब भी आपको बिजनेस में कोई लगता है कि नुकसान हो रहा है, जब भी कि फ्यूचर में कहीं ना कहीं लायबिलिटी है, कुछ देना पड़ेगा, कुछ नुकसान हो रहा है बिजनेस में, तो उसे क्रेडिट करेंगे। बस वहाँ पर क्रेडिट का मतलब होता प्लस ही है, बट बोलते क्रेडिट है। कभी क्रेडिट का मतलब होगा, कभी प्लस का मतलब डेबिट होगा, कभी प्लस का मतलब क्रेडिट होगा। बट क्रेडिट कब इस्तेमाल होगा, जैसे मैंने आपको बताया
कि जब कोई ना कोई फायदा होगा, नुकसान होगा बिजनेस में, तो हम क्या करेंगे, कैपिटल को हम ऐसा बोलेंगे कि कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है। जनरल में हम सीखते हैं सिर्फ कि किस अकाउंट को क्रेडिट करना है, किस अकाउंट को डेबिट करना है, बस ये सीखते हैं जनरल में। अभी अकाउंट नहीं बनाएंगे हम, और हर ट्रांजेक्शन में कुछ ना कुछ डेबिट होता है तो उतना ही सेम अमाउंट से क्रेडिट भी होता है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि भाई अगर कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, सेम टू सेम चीज़ है कि अगर मैं कुछ सामान खरीद के आऊँगा तो जितने का सामान खरीद के आऊँगा उतने ही तो पेमेंट करूँगा। कोई भी बिज़नेस में लेन देन, लेन देन का मतलब ही क्या होता है कि बिज़नेस में अगर कुछ आएगा तो साथ ही साथ कुछ जाएगा भी। मैंने अगर बिज़नेस में पैसा 50,000 का डाला तो एक तो मेरा 50,000 रुपये का कैपिटल अकाउंट में 50,000 रुपये भरेंगे। मैंने अभी क्या लिखा है यहाँ पर कि कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है 50,000 से। अभी कैपिटल अकाउंट जब बाद में बनाएंगे उस अकाउंट में क्रेडिट करना है, ये क्रेडिट सीख लिया हमने। लेकिन डेबिट भी होगा कुछ ना कुछ, पैरेलली कुछ ना कुछ नुकसान। देखो ये तो था कि मैंने क्रेडिट का मतलब होगा कि यहाँ पर बिजनेस में कुछ ना कुछ फ्यूचर में नुकसान होगा तो मैंने क्रेडिट कर दिया, लेकिन फ़ायदा क्या हुआ बिजनेस में, पैसा आ गया। कैपिटल जब बिजनेस में डाली तो एक तरह तो कैपिटल हमारा नुकसान है, बट फायदा भी तो हो गया, पैसा आया कैपिटल का। तो पैसा आया इसका मतलब है कि कैश आया, तो जब कैश का अकाउंट बनाऊंगा तो कैश के अकाउंट में प्लस करूंगा 50,000 रुपये। कैश के अकाउंट में 50,000 रुपये प्लस करने हैं, लेकिन यहाँ पर प्लस का मतलब क्या बोलूँगा, डेबिट, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट का मतलब हो गया प्लस माइनस। तो कभी डेबिट, कभी प्लस का मतलब क्रेडिट बोलूँगा, कभी प्लस का मतलब डेबिट बोलूँगा, लेकिन प्लस क्रेडिट तब बोलूँगा जब वो बिजनेस के लिए नुकसान है, और प्लस डेबिट कब बोलूँगा, जब बिजनेस के लिए फायदा है। जी हाँ, तो मैं बोलूँगा कैश अकाउंट डेबिट करना है 50,000 से। ये होता है जनरल, जनरल में हम यही काम करते हैं, हम ये सीखते हैं कि किसे डेबिट करना है, किसे क्रेडिट करना है। इस वीडियो में मैंने आपको बिल्कुल एक्चुअल मीनिंग बताया, रियल तरीके से बताया, कॉन्सेप्ट वाइज बताया कि जनरल में करते क्या है, डेबिट और क्रेडिट होता क्या है, मैंने आपको ये बताया। डेबिट और क्रेडिट करते कैसे है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट ये मैंने आपको बताया, जो कि बिना कोई रूल्स के बताया। इसके कई सारे रूल्स बने हुए हैं कि खाते में कैसे डेबिट, किसे डेबिट कैसे करते हैं, क्रेडिट कैसे करते हैं, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। आगे और वीडियो आएगी जिसमें हम और डिटेल में समझेंगे कि डेबिट क्रेडिट करते कैसे, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, मुझे कमेंट बताना पड़ेगा जिससे मैं वीडियो आपके लिए बनाऊँगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।